तो सर जी स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए, अपने फार्म का लोकेशन कहाँ है ये थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, मालवा गोट फार्म, दतौदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश जी। मैं पिछले 5 साल से वैज्ञानिक बकरी पालन कर रहा हूँ और आज की तारीख में मेरे पास 190 जानवर हैं, जिसमें मुख्य रूप से मालवा, सिरोही और बीटल हैं। सर ये जो वीडियो होने वाला है गोट फार्म टूर का होने वाला है, जिसमें हम आपके पूरे फार्म को कवर करेंगे, किस तरीके से आपने उसे बनाया, कैसे शुरू किया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं आपके एक छोटा सा जो ऑफिस आपने बना रखा है वहाँ से शुरुआत करेंगे, और फिर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपने कब कब की ये हमारे दर्शकों को बताते चलिएगा। तो आपके नज़रिए से आज हम अपने दर्शकों को आपको गोट फार्म दिखाएंगे। चलिए आए जाए। तो ये जो है जहाँ हम जा रहे हैं, ये सर का एक छोटा सा ऑफिस इन्होंने बना रखा है, बहुत ही बेहतरीन लगा। और जिस तरीके से हम हाईटेक की बात करते रहते हैं, एक्चुअल में जो हाईटेक गोट फार्मिंग की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है। अब बैठिए सर, 2 मिनट में आपसे समय चाहूँगा। तो सर थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में मुझे बताइए, कैसे बकरी पालन में आना हुआ और कहाँ से इंटरेस्ट जागा आपका? बकरी पालन मेरा प्लान बी था। प्लान ए, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, 3 बार मैंने कंसेक्यूटिव स्टेट सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, लेकिन मार्जिनली तीन ही बार मार्जिनली मिस हुआ। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने उसको प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश किया और सीधे मैं चला गया CIRG ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ से ट्रेनिंग करने के आने के बाद जो भी वहाँ ट्रेनिंग में मुझे बताया गया, उस ट्रेनिंग के में जो सीख के आया उसी को मैंने रेप्लिकेट किया, यहाँ पर शुरू की। और आज मैं शुरू तो मैंने 10 जानवर से ही किया था, लेकिन आज मैं तकरीबन 190 जानवर हैं और उसमें सोजत ब्रीड भी मेरे पास है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका है। बहुत अच्छा। तो चलिए अपन आपको गोट फार्म भी टूर करते हैं। आइए, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, है ना, जहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, जो आपसे मीट करने आते हैं तो इस तरीके से आप ग्रीट करते हैं, और सामने सर के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। सर थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे, इस वजह से लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, पर अब एक्टिव हो गए हैं। तो अगर इनके फार्म की लेटेस्ट अपडेट जाननी हो तो इनका एक चैनल भी है, उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेटेस्ट अपडेट आपको वहां से मिलती रहेगी जी। तो सर कुछ हमारे दर्शकों को अपनी बकरियां भी दिखाइए जो आपने रखी हुई हैं, उनको भी दिखाते जाइए और फिर अपन बातें और करते चलेंगे। तो मैं मालवी बकरी को आपको बताता हूँ। हाँ, जो मेरे यहाँ की बेहतरीन बकरी है, जिसने 3-4 बैत मेरे यहाँ रह चुकी है वो जी। आप उसको चला जाए। हाँ, क्योंकि मेरे चैनल में ज़्यादातर जो आपको देखने मिलते हैं वो, या आप इसकी हाइट को देख लीजिए जी, सोजद और इसके हाइट में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। ये पिछले बार इसने 3 बच्चे दिए थे। बिल्कुल। और हर बार 2 से कम कभी भी बच्चे इसने नहीं दिए। बहुत बढ़िया ये बकरी। और पिछले बार 3 बच्चे दिए थे, अभी भी वो 2 से बच्चे कम तो नहीं देगी। दूध इसके नीचे 1.5 लीटर दूध है। बहुत अच्छा। बच्चों से पीने के बाद भी दूध बच जाता है, उसको निकालना पड़ता है ओवरफीडिंग से बचने के लिए। बिल्कुल। और ये मालवा की आप पैटर्न देखें ना, जो हम अक्सर बकरे देखते रहते हैं मालवा के सोशल मीडिया में, मदर आप देखिए बहुत बढ़िया, कानों की जो ये काजू कान लेंथ जो है मीडियम साइज़, और मध्यम आकार की बकरी होती है सर। मध्यम आकार की बकरी। बहुत बढ़िया। कुछ और बकरियाँ देखते हैं, और 1-2 बकरियाँ मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, वो मैं अपने दर्शकों को भी ज़रूर दिखाऊंगा। आप ये देखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। और ये कितने महीने लोडेड होगी सर? ये 4 महीने की लोडेड है। 4 महीने लोडेड की लोडेड। वाह, ये भी 2 बच्चे देती है अब तक, जब 3rd बैच है इसका, 2 बार दो बच्चे दे चुकी है। और क्रॉसिंग में भी इसका एक बड़ा यूनिक मेथड को ऑप्ट करता हूँ मैं, कि 2 बकरे रखता हूँ हमेशा, और 1 मिनट के अंतराल पर ही एक बकरे ने क्रॉस किया इसको स्टैंड पे, जैसे मैंने लगाया ब्रीडिंग स्टैंड पे, 1 मिनट के अंदर एक बकरे को छोड़ा, उसने क्रॉस किया, उसको हटाया और दूसरे बकरे को फौरन छोड़ा मैंने। मतलब विद इन 1 सेकेंड अगर आप उसको क्रॉस करा देते हैं, 2 बकरे अगर 1 मिनट के अंदर 1.25 मिनट में क्रॉस कर दिया, तो 99% डबल किडिंग, ट्रिपलेट्स किडिंग की होगी, ये गारंटी है। तो सर प्राइमरी सवाल है मेरा एक, जब आपने शुरुआत करी कि तो आपने
आसपास क्षेत्र भी घूमा होगा जी। लोग गोट फार्म खोलने के लिए साइट सिलेक्शन का भी चुनाव करते हैं कि यार मुझे किस तरीके से अपनी जगह का चुनाव करना है, तो आपने जो ये जगह चुनी हुई है किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए चुनी, ये थोड़ा सा बताएं। जब मैं ट्रेनिंग के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में गया था जी, तो वहाँ पर लैंड के सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बताया गया था जी, बिल्कुल, कि किस तरह से आपको लैंड का सिलेक्शन करना है, और अगर जहाँ भी अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो उस लोकल एरिया के लैंड से अप्रेज्ड होना चाहिए, ये बताया था, 3 से 4 फीट कम से कम। अब मैं इसी पर्पज़ से मैंने लैंड का सिलेक्शन ऐसे जगह बहुत सारा, तकरीबन 3 महीने मुझे लैंड के सिलेक्शन में लगे, बहुत सारे लैंड तो पसंद आए लेकिन नीचे का बेस, इसलिए कि मेरा फर्श बिल्कुल अंदर भी कच्चा है और बाहर भी कच्चा है, लेकिन ये कच्चा ऐसा है कि ना तो पक्का है और ना ही एकदम मिट्टी है, ये बीच का है, मोरम जिसको मोरम टाइप की मिट्टी है, बारिश होती है तो ये पानी यहाँ नहीं टिकता जी, बिल्कुल चला जाता है बिल्कुल। और कुछ बकरियां और देखते हैं फिर किस तरीके से आपने सेड बनाया है, ये भी हम समझेंगे, और सेड के ऊपर तो मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। सर वो बकरी जो है ना वो दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो जो जा रही है दूसरे कलर पे, हाँ वो भी, उसका अडर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम जब कभी भी बकरी का सिलेक्शन करने जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देखें, मालवे में ही जो जिसका गोल अडर है, और निप्पल साइज़ आप देख सकते हैं जिसमें अडर देखने मिलता है बकरियों में। आपकी लगभग जितनी बकरियां मैंने देखी हैं उनमें अडर क्वालिटी कुछ ऐसी ही है, आप ये देख सकते हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं, बकरियों में अडर नहीं होता है, ऐसी बकरियों का चुनाव करते हैं, तो बकरियां खरीदते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल, जैसे आप ये देखिए बकरी का अडर है और इसके नीचे भी 1.25 लीटर दूध है, बिल्कुल जरूर होगा 1.25 लीटर दूध है, मैंने अपना मेजर किया हुआ है, फर्स्ट गो में बीच बकरी जनने के 20 दिन के बाद फुल लाइन पे आती है दूध के, उसमें मैंने निकाल के अपना देखा हुआ है सब बकरियों का, और इसमें भी फिर अब क्या मैं आइसोलेट कर रहा हूँ कि जिनका कम 1 लीटर से दूध कम है उनको आइसोलेट करके और उनको निकाल के और फिर नया लॉट उसमें एड ऑन किया जाए। जितना मुझे मालवा में कलर देखने मिल रहा है हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, शायद ही किसी ब्रीड में देखने मिलेगा, ब्लैक कलर देखा है, ये ब्लैक है, ब्लैक ये व्हाइट है, व्हाइट आप ये देखिए, ये चीना मक्खी, ये भी मालवी मालवी ब्रीड ही है, ये भी मालवी का ही है, ये भी मालवी ब्रीड है, वाह सुंदर ब्यूटी, आप देखिए एक ये देखें जैसे बरबरी में हमें देखने मिलती है, आप ये देखिए, ये भी मालवी बकरी है, ये अभी यही दूसरे बार की किडिंग हुई है, एक बार ये बच्चा जिन चुकी है और अभी इसने 2 बच्चे दिए। थोड़ा सा इसे घुमाइए, देखिए अडर की क्वालिटी इसमें भी आपको देखने मिलेगी, वाह बहुत बढ़िया। ये सिलेक्शन बकरी सेलेक्ट करते समय आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि बकरी के पीछे का अडर आपको ध्यान देना है, और अडर में निप्पल लगा हुआ है, नहीं तो आजकल इन ब्रीडिंग से केवल निप्पल थन थन ही बचे हैं, अडर तो खत्म ही हो गया। मैंने और अडर से ही दूध का पता चलता है, हाँ आप निपल से दूध के क्वांटिटी का नहीं पता कर सकते, मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अडर में है, बिल्कुल निपल में नहीं होती, नहीं आप जितने भी दुधारू जानवर देखेंगे आप अडर से ही पता अडर से ही पता चलता और है। कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि इसकी माँ को अगर आप जब भी बकरी खरीदने जाता हूँ जी तो उसकी माँ अगर होती है तभी मैं उसकी बकरी के पार्ट को खरीदता हूँ, नहीं तो नहीं खरीदता जी, कि उसकी माँ के साथ और उसके फादर का, अगर फादर का अगर वो मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम माँ का 50% तो क्रोमोजोम आया ही होगा, तो माँ जैसी है तो अगर उसके नीचे अगर 1.25 लीटर दूध है तो गिरी गिरी हालत में आधा पौन लीटर या 1 लीटर दूध तो आएगा इसमें, बिल्कुल। और दूसरे 2-4 कलर और मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक ये देखें, ये भी मालवी बकरी है, वाह आप ये देखें इसका कलर है बिल्कुल चॉकलेटी, हाँ हाँ ये हमारे यहाँ पे जो एक बरारी है ना जी, कुछ उससे मिलती जुलती है, बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। और एक ये सामने मैं यहीं से दिखा देता हूँ, आप ये देखें, जैसे एक ये सामने खड़ी है, ये जो आवाज़ कर रही है ये भी कलर है, ये भी कलर है, एक ये ये भी कलर है, मालवी का ही कलर है ये भी। और एक ये जो सामने सींग दिख रहे हैं ये भी मालवी कलर है, सब मालवी कलर में, तभी इतना लोग मालवा को पसंद करते हैं सर, बकरे इतने अच्छे सुंदर बनते हैं और बहुत अच्छा उनमें भी हमें अट्रैक्शन पॉइंट देखते हैं, सुंदरता के पैमाने भी हम अगर देखते हैं बकरों में वो इनमें ज़्यादा होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत मालवी जानवरों की ये है कि एक तो लोकल ब्रीड होने के साथ साथ इनकी इम्यूनिटी, भले हम दूसरे जगह भी अगर ले जाएं, यहाँ से हमारे पास डिमांड आया
आसाम से कि आप मुझे मालवी जानवर सप्लाई करके आप वहाँ दे दीजिए। मैंने बोला कि आप, मैं सप्लाई तो कर दूंगा लेकिन आप ले जाइए, ले जाने की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जानवर उसमें क्या है कि नहीं हम मैनेज कर पाएंगे, बहुत लंबा सफ़र है 3000 किलोमीटर का। बिल्कुल, तो ये पहला सेक्शन हो गया जिसमें कितनी बकरियाँ सर अपने पास? इसमें 37 बकरियाँ हैं। 37 बकरियाँ। चलिए अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं जिसमें आपने सोजत कर रखा है। तो ये आपका सर सोजत का सेक्शन हो गया। ये सोजत का सेक्शन है मेरा। अभी कितनी बकरियां सर? इसमें 11 बकरियां हैं। और कितना समय हो गया सर आपको इनको? अभी मैं 11 का लॉट लेके आया था, 1.5 साल हो गए मुझे जी। अभी इनसे सेकेंड डे किडिंग मेरे पास होने वाली है। कुछ की एक बकरी की इसकी किडिंग हो चुकी है, इसने 2 बच्चे दिए हैं। अभी आपको मैं किड्स सेक्शन में दिखाऊंगा जी। जी, एक इस बकरी की एक खासियत कहिए या इसकी इसका ड्रॉबैक कहिए कि ये अपना ही दूध पीती है और इसी वजह से मुझे इसके थन को ढकना पड़ता है जी, कि वो बच्चों को दूध पूरा मिले। कुछ बकरियों में आदत होती है ना जी, कुछ बकरियों में ये आदत होती है। और ये इस लगाने के बाद ये भी इसके बाद भी कोशिश करती है और इसने भी फाड़ दिया है, इसको फाड़ दिया है, काट दिया, दांत से काट दिया होगा। कोई दो बच्चे अभी दिए हैं अभी, आप 4 दिन पहले जी। बिल्कुल, 4 दिन पहले। आप ये देखें, ये अभी पट है, पहली बार ये एक पट भी लेके आया था साथ में उन 11 बकरियों के साथ। बाकी ये पूरा लॉट सोजत का एक साथ ही मैं लेके आया था। और ये पिछले बार जो मेरे पास बच्चे दिए थे इसमें से 11 में से 9 ने 2 बच्चे दिए थे। 11 में से 9 बकरियों बच्चे, बहुत अच्छा। और सर फिर जैसे मालवा से तो बिल्कुल मिलती जुलती ब्रीड है जी, तो क्या आपको डिफरेंस देखने मिला है इसमें? सोजत में जो मैंने मालवी और इसमें देखा कि जो ग्रोथ का ही सिर्फ फर्क दिखा और थोड़ी हाइट का फर्क दिखा। ये थोड़ी हाइटेड, हाइट थोड़ी इसकी उससे ज्यादा है, थोड़ी फ्रेम इसकी थोड़ी बड़ी है और क्या बोलते हैं ग्रोथ जो उसका होता है थोड़ा फास्ट होता है मालवा के कंपैरिजन। दूसरा कि खूबसूरती के वजह से, मालवा में खूबसूरती तो अपने उसके यूनिक पैटर्न जो है यहाँ का लोकल, लेकिन इसका जो एक वाइट कलर के ऊपर जो एक पैचेज आते हैं और उससे जो ब्यूटी आती है, इनके बच्चे तो और खूबसूरत दिखते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आपको किड्स सेक्शन में जब ले चलूँगा तो मैं उनको खोलूँगा और इनकी माँ को निकालते हैं हम लोग जो फीडिंग के लिए, तो आपको उसको दिखाऊंगा कि कैसे वो माँ के पास ऑटोमेटिक चले आते हैं। 4 दिन का बच्चा माँ को कैसे पहचानता है, ये देखिए प्रकृति ने कैसा उनको जो हम लोग नहीं सीख पाते हैं 10 महीने 12 महीने जब तक है, लेकिन वो आधे घंटे में ही खड़ा हो जाता है और फिर माँ के माँ को पहचान जाता है, दूसरे के पास नहीं जाता है। तो सोजत पालने के ये फायदे हैं, यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छा मिल जाता है। ग्रोथ रेट ठीक है। जैसे ये 600 किलोमीटर दूर से है, तो जैसे मान लीजिए ये सवाल उन नए लोगों के लिए है कि अगर जो सोजत के ऊपर काम करना चाहते हैं तो क्या प्राइमरी चैलेंजेस देखने मिले इसको पालने पे यहाँ पे? देखिए चैलेंजेस तो इसको है कि वहाँ से एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस वहाँ के एनवायरनमेंट कंडीशन, यहाँ के एनवायरनमेंट कंडीशन, उनको यहाँ ला के सेट करना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं यहाँ इंदौर के अंदर ही ये एक फार्म था जहाँ से उन्होंने उस फार्म को ये किया, बंद किया, वाइंड अप किया। तो वो वाइंड अप कर रहे थे तो उसमें से जाके मैं कुछ जानवर सेलेक्ट करके लेके आया था जी। सारे जानवर तो नहीं मैंने लिए, लेकिन मैं 11 जानवर मैंने, मेरे को जो लगा कि ये ठीक है तो उनकी उसकी क्वालिटी ठीक है तो उसको मैंने परचेज किया था। बहुत अच्छा। तो यहाँ के एनवायरनमेंट में ये सेट थे तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेज की नहीं फेस करने पड़े, लेकिन फेस तो जरूर करना पड़ता है कोई भी अगर ले जाए तो। एनवायरनमेंट, हवा, पानी, ऐसा कहा जाता है कि हर 2 मील पे पानी और हवा सब बदल जाता है। तो 600 किलोमीटर तो बहुत होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा सर जिस तरीके से इनकी आपने तैयारी कर रखी है। और ये सारे लगभग मुझे लगता है सब प्रेग्नेंट गोट हैं, ये तकरीबन अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में ये सब जनेंगी जी। चलिए अपन तीसरा सेक्शन देखते हैं सर। ये आपका तीसरा सेक्शन है ना जी, इसमें कितनी बकरियां रखी हैं आपने? इसमें भी 37 बकरियां हैं। और कुछ एज कैटेगरी आपने बना रखी है तीनों में कि? एज कैटेगरी नहीं है, एज ये सब ऑलमोस्ट शुरुआत जब मैंने की थी तो एक एज को ही मैंने परचेज किया था कि 1 साल से 1.5 साल के बीच की या 2 साल के बीच की बकरियों को ही परचेज किया था मैंने। तो कमोबेश सबकी वही किडिंग, तीसरी चौथी किडिंग अभी मेरे पास होगी इनकी, और कमोबेश उसी एज के ग्रुप को मैंने रखा था। तो एज तो अगर ग्रुप तो कमोबेश सबका सेम है, बस ये है कि इसमें सिरोही है और बीटल है जी, और बाकी कुछ मालवी जानवर भी हैं इसमें। बिल्कुल, जो आपके पीछे घूम रही हैं ये आप ये सिरोही हमारी बकरी। बहुत अच्छा।
ये कब से सर आपके पास? ये 3 साल हो गए मेरे को इसके। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 2 बार आपने इससे बच्चे ले लिए? नहीं, ज्यादा हो गए, 4 बार ये बच्चे हो गए इसके। 4 बार। बहुत अच्छा। और इसे भी वहीं राजस्थान से लाए थे? हाँ, मंगवाया था मैंने वहाँ से, सीकर से मंगवाया था। अच्छा। सीकर से मंगवाए थे। इसमें 16 जानवर मेरे पास आए थे जी, तो उसमें कुछ बकरे भी थे, तो वो तो बकरे बकरीद में तैयार हो गए तो सेल हो के लिए चले गए जी, और जो बकरियाँ थी तो वो अभी हैं। बिल्कुल। तो ये क्या एज की होगी सर उस टाइम पे? ये 6 दांत पे है अभी। 6 दांत। 6 दांत पे है ये। तकरीबन आप मान के चले कि 5 साल की बकरी है। नहीं नहीं, मतलब 5 साल की हो गई। 5 साल तो उम्र पूरे कर ली होंगे। 5 है। वो दांत तो पूरे हो गए इसके। दांत पूरे हो गए। 5 साल की एज की है। मैं उस टाइम लेके जब आया था तो 1 साल 1.5 साल की थी। बिल्कुल। हाँ, उस टाइम पे 4-6 दांत पे रही होगी जब आप लेकर आए थे। नहीं, कम दांत पे थी। 3 साल तो मेरे पास ही होगा इसको। वो तो उस टाइम 2 दांत या 4 दांत थे। अब दांत तब मैंने उस टाइम देखा नहीं था। कोई नहीं, चलिए कि ये बाजू से खड़ी है। ये भी उसके साथ ही आई थी। ये अभी दो बच्चे इसने अभी, ये इसकी गिडिंग हो चुकी है, इसने 2 बच्चे दिए हैं अभी। बहुत बढ़िया। सिरोही के बारे में बताते हैं लोग कि बोले इसकी प्रोलिफिकेसी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि फीडिंग और आपका मैनेजमेंट अगर सही है तो इसकी प्रोलिफिकेसी को आप मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से मालवी में है कि 1.5, तो इससे 1.5 से तो कम मुझे अभी भी तक इसमें नहीं मिला। बहुत अच्छा। और कुछ बीटल हैं, है ना? इसमें बीटल भी मालवा जो है वो लीड कर रही है। ये मालवी बकरी है मेरी। ये मालवी में भी 2 क्वालिटी आती है, एक गुलाबी स्किन में आती है और एक ब्लैक स्किन में आती है। तो मालवी गुलाबी स्किन में ये। बहुत अच्छा। ये देखिए काजू कान, इसका इसकी ब्यूटी, और ये इसका अडर भी लाल गुलाबी, और इसका स्किन भी गुलाबी, इसके बच्चे भी गुलाबी आते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतने खूबसूरत होते हैं। इसके 2 बच्चे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इतने खूबसूरत कि क्या बताएं। बहुत अच्छा। ये बीटल भी आपने कर रखी है? ये बीटल है। शानदार। ये कब से सर अपने पास में? ये भी 3 साल, 3.5 साल हो गए इसके। 3 साल है। 3 साल है। बहुत अच्छा। 4 किडिंग हो चुकी है इसकी भी। एक पीछे है ये। वाह। ये भी मालवी बकरी है। मालवी प्रेग्नेंट है। और ये बीटल भी प्रेग्नेंट है? ये बीटल भी प्रेग्नेंट है। और ये कितने साल से सर? ये सब बीटल सब एक साथ ही, एक लॉट ही लिया था मैंने जी जी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसका यहाँ पर किस तरह का आउटपुट है प्रोडक्ट। तो बहुत कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई मुझको बाहर की ब्रीड होने की वजह से जी। चलिए अपन कुछ इस तरफ की जो मालवा है वो दिखा देते हैं, और कुछ एक आध गुजरी भी रखी हुई है सर ने। बहुत बढ़िया। एक ये मालवा देखिए आप, जो सेरा कलर पंजाब का जो होता है ना, कुछ उस तरीके का है। और ये लंबे कान वाली भी सर? ये कोटा है। ये कोटा एक लॉट लिया था, उस लॉट में एक बकरी थी, ये कोटा कोटा ब्रीड है ये। और वो वाइट आइज में जो दिख रही वो मालवा है क्या ये? हाँ, ये क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड है तो मालवी, लेकिन बीटल से क्रॉस है। बहुत बढ़िया। दूध के वजह से मैंने लिया। इसके नीचे भी 1 लीटर दूध है। है तो कोई आदमी बेच रहा था इसको कटिंग में, और थोड़ी वीक थी तो मैंने बोला कि नहीं बेचो मत, मैं इसको ले आऊँगा। बहुत बढ़िया। और ये है सर का 3rd सेक्शन, जिसमें 35+ जानवर हैं, बकरियां हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। मैं वास्तविक अगर अपने दिल की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में इस तरीके से आप काम कर रहे हैं इंदौर में रह के, काबिले तारीफ है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपसे शेड के बारे में भी जानकारी ऐड कराना चाहूँगा। एक तो हमने साइट सिलेक्शन की बात कर ली थी, साइट सिलेक्शन हो गया, ब्रीड का सिलेक्शन आपने हमें बताया ही और समझाया कि भाई लोकल के हिसाब से हमने ब्रीड का सिलेक्शन किया, फिर बाहर से भी कुछ आपने बकरियाँ लाई जी। थोड़ा सा मुझे शेड के बारे में बताइए कि जो नए लोग हैं अगर वो निर्माण करना चाहें तो किसको ध्यान में रखते हुए शेड का निर्माण करना चाहिए? देखिए उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया उन्होंने 2 बताए थे कि जी, आपकी जगह जहां भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो अप्रेज्ड होना चाहिए 3 से 4 फीट जी, और उसका जो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो पूरब से पश्चिम, ये क्राइटेरिया है। विंड का सर्कुलेशन जो होता है नॉर्थ टू साउथ और
सन का जो मूवमेंट होता है ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल, तो धूप भी जाए और हवा भी रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें हो, इस वजह से उसको जो लंबाई उसकी बनाई जाए तो वो ईस्ट टू वेस्ट बनाई जाए, जी बिल्कुल, और चौड़ाई जो बनाई जाए वो नॉर्थ टू साउथ बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये CIRG का रिकमेंडेशन है कि अगर ज्यादा चौड़ा हो जाता है तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। जी, तो मैंने ये 20x20x60 का पहले बनाया था, बाद में ये 14 फीट का अलग बनाया और किड्स के लिए एक 10 फीट का अलग बनाया, वो रूम ही है पूरा ये, लेकिन ये जो जाली जिसमें दिख रही है आपको ये 20x60 का है, इसमें 4 सेक्शंस मैंने बनाए हैं। तो ये कितने जानवरों के लिए, ये इसमें 100 जानवर 20x60 हैं, ये आप 100 जानवर रख सकते हैं अंदर रात में, और जितना आपने बनाया उसके बाहर अगर स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं, बाहर जानवर ग्रेजिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो जितना अंदर उनके लिए स्पेस है उसका जस्ट डबल आपके पास रोमिंग एरिया उनको फ्री घूमने के लिए चाहिए। मतलब ये जो अपन बाहर देख रहे हैं गेट से लेके 40x60 है, और ये जो अपन यहाँ तक इस गेट तक देख रहे हैं ये 40 फीट है, 40 फीट है, और 20 में अंदर 20 फीट कंस्ट्रक्शन है, ये 60x60 का पूरा एक शेड था जिसमें 20x60 कंस्ट्रक्शन है और 40x60 ये ओपन है। चलिए अपन अंदर से भी एक व्यू दे देते हैं ताकि, एक और चीज बताता चलूं ये यहाँ पर कि आमतौर से शेड जो बनाते हैं तो जैसे 20x60 बना लिया और 40x60 ओपन छोड़ दिया, आमतौर से ऐसे ही आप देखेंगे फार्म पे, इवन CIRG में भी इसी तरह से बना हुआ जी, जी। लेकिन मेरे को एक समस्या आई बारिश के दिनों में कि जब बारिश जब होने लगती है तो जानवर सीधा बाड़े में पहुंच जाता है, अब उसके लिए वो ग्रेस पीरियड नहीं मिल पाता है बारिश के मौसम में वो सूखने के लिए, हाँ, और वो गीला रह जाता है, फिर बाद में वो क्या हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं होती, जानवर बीमार होता है जी। तो हाइजीन और फीड के ऊपर अगर किसी ने मैनेजमेंट पे काम कर लिया तो बकरी पालन में फेल नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो मैंने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कि ये गद्दी एक बार बाड़े से जब बाहर आ जाए सुबह तो वो अंदर नहीं जाए, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात हो, स्पेशली बरसात, तो बरसात के लिए मैंने क्या किया कि जो 20x60 का जो शेड जहाँ खत्म हो रहा था उसको मैंने 12 फीट एक्सटेंड किया, कि बारिश के दिनों में भी क्या है कि जानवर बाड़े में ना जाके बाहर ही अंदर रोमिंग एरिया में ही रहे। आप इसको आप एक देख सकते हैं, तो ये जो गेट से लेके यहाँ तक, गेट से लेके यहाँ 12 फीट का एक एक्सटेंशन मैंने अलग से किया कि बरसात में भी जानवर बाहर ही रहता है और व्यवस्थित उसी हिसाब से ये फीडर मैंने, ये 8 फीट के फीडर है, 12 फीट का ये स्पेस है, तो उनको आराम से कोई परेशानी नहीं होती, और बारिश भी हो कुछ भी हो तो फीड जो डला है वो भी गीला, फीडर को कभी अंदर नहीं रखते इनके एरिया में जी, उससे क्या है कि वो खाते हैं फिर गिरता है, फिर वो चूहे आते हैं या जानवर आते हैं, फर्मेंटेशन होता है और फिर सड़ता है, तो जानवर की हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन हो पाती अंदर जी। तो इसी का ख्याल रखते हुए आपने इसको 12 फीट बढ़ा के और ये 8 फीट का फीडर यहाँ पे रखा, तो व्यवस्थित चाहे बारिश हो कुछ भी हो ये जानवर बाहर ही रहेगा, जानवर ही रहेगा। चलिए अपन अंदर से एक व्यू दिखा देते हैं आइए आपके शेड का, और सर ने जैसे कहा था शुरू में कि आप देखेंगे कि अंदर भी इन्होंने कोई पक्का फर्श, ये कच्चा फर्श ही नहीं करा रखा है, ये इनका कच्चा फर्श ही है, और सिंपल वे में सर ने केवल तार की ही फेंसिंग का यूज करके पार्टीशन किया है। शुरू में हमको बताया गया था कि आप मिनिमल एक्सपेंडिचर पे ये काम को शुरू करें जी जी। तो जो हमने एक्सपेंडिचर शुरू में ही किया वो वही अभी तक चल रहा है, पिछले 4-5 साल तो हो गए। बिल्कुल, हाइट कितनी रखी हुई? हाइट मैंने ये जमीन से ये 4 फीट की हाइट है, 4 फीट की हाइट है और 4 फीट के ऊपर जाली लगा हुआ है, ये 4 फीट की ही जाली लगी हुई है जी। तो ये 8.5 फीट आपका शेड जो है ये साइड में 8.5 फीट है और बीच में 11 फीट है, 11 फीट है, बहुत बढ़िया, और जमीन बिल्कुल फर्श है। अब ये इससे क्या कि बकरियां पेशाब करती हैं, गीला होता है और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हम क्या है टाइम टू टाइम चूने का छिड़काव करते हैं। बहुत अच्छा, ये चूने का छिड़काव किया हुआ है, इससे क्या है कि ये जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, जानवर असहज नहीं महसूस करता और बीमार नहीं होता है जी। बिल्कुल सर का हम ब्रीडर सेक्शन भी दिखाएंगे और साथ में एक यूनिक जगह दिखाऊंगा मैं सर के फार्म की, वो हमें यहाँ पर देखने मिलेगी। तो चलिए पहले हम आपको वो दिखा देते हैं जो सर के ब्रीडर हैं, क्योंकि इनके पास अलग अलग नस्ल के बकरियाँ हैं, उनके लिए इन्होंने जो ब्रीडर रखे हैं वो उन्हीं के हिसाब से कर रखे हैं। तो सर अभी कितने
ब्रीडर हैं मेरे पास? है, 5 ब्रीडर थे, अभी 2 ब्रीडर मैंने अभी सेल किए, 3 साल से मेरे पास वो ब्रीडर थे मालवा के। जी जी। तो मालवा के जो ब्रीडर थे उनको 3 साल से क्या है कि इनब्रीडिंग नहीं हो, क्योंकि उनके आगे की फ्यूचर जनरेशन भी मैंने अपने पास रोक रखा है। जी। तो इनब्रीडिंग से बचने के लिए 2 ब्रीडर जो मालवा के थे मैंने उसको निकाल दिया है, और मैं सर्च कर रहा हूँ अभी कि 2 ऐसे बढ़िया ब्रीडर अभी आ जाए, 1-2-4 दिन के अंदर ही 2-3 जगह से आएंगे वो। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बकरियां बच्चे देने वाली हैं, उसमें अभी समय है, ब्रीडिंग सीजन भी आने वाला ही है। जी जी बिल्कुल। ये बीटल, बीटल बहुत बढ़िया। ये क्या डिटेल में होगा सर? ये इसकी भी 41 हाइट है। 41 हाइट है, बिल्कुल शानदार। ये देखें, और कलर इसका कुछ जो अपन सिरोही में पैचेस देखते हैं ना, वैसा मिलता जुलता है। जी जी, है। ये बीटल में भी अलग अलग आते हैं ना? आते हैं। बीटल में भी रेड कलर भी आता है, अलग अलग पैचेस वाले भी आते हैं। कानों की आप लंबाई देखें, जो बीटल बकरियां उनके लिए कर रखा है सर ने इसे, बहुत बढ़िया है। 41 हाइट पे है, और क्या एज होगी सर? फुल दाम पे, फुल दाम बढ़िया। यहाँ परेशान करेगा आपको। एक ये है, ये मेरा सोजत ब्रीडर है। जी चल आ जा इधर, अरे आ जा, जाने दीजिए, यहीं से कवर करते हैं। क्या इसकी डिटेल होगी सर? ये सोजत, ये 39 हाइट पे है। 39 हाइट पे है, और बहुत ही मतलब ये कहें इसकी ब्यूटी ये कि इसके बच्चे बहुत खूबसूरत आते हैं। साथ में ये है कि ये अब जब से मैंने इसको रख रखा है, सोजत के 2 बच्चे आते ही हैं। दो बच्चे लेकर, बकरियां 2 बच्चे लेके आती हैं। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ा कि कोई भी आदमी इसको पकड़ ले, कुछ नहीं करेगा, इतना सीधा है। बहुत बढ़िया, जाने दीजिए। 2 और ब्रीडर हैं, उनको देखते हैं फिर। ये एक ये गुजरी का, ये सिरोही गुजरी पैटर्न पे मिक्स है, मिक्स मेनली सिरोही पे ही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न मिक्स है इसका। हाँ हाँ, गुजरी का बहुत अच्छा शानदार। ये भी उन्हें बकरियों के लिए, केवल बकरियों के लिए, जो सिरोही बकरियां अपने पास उनके लिए है। बहुत बढ़िया। और ये एक बीटल मैंने अपने बकरियों के साथ ही, वो एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास, इसको मैंने कास्ट्रेशन नहीं किया, तो ये बीटल ब्रीडर की तरफ तैयार हो गया है। इसको मेरे को सेल के लिए डालना है। ये काफ़ी अच्छी हाइट पे है सर, ये 42 हाइट पे है। 42 हाइट पे, 42 हाइट पे है ये, बहुत बढ़िया। तो जो भी अमीन भाई देख रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं। ये ब्रीडर ये सेल के लिए है, सेल के लिए है, और ये ब्रीडिंग के लिए ही सर ने बचा रखा है। जी जी, क्योंकि इसकी हाइट शुरू से ही मैंने देखा कि हाइट और इसका वेट गेन जो था शुरू में वो बहुत बढ़िया था। जी जी, और एग्रेसिवनेस भी इसके अंदर इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। नहीं नहीं, आमतौर से इस तरह की एग्रेसिवनेस इन ब्रीडर बकरों में नहीं देखी जाती, देखने में आती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने इसकी हाइट मेजर करी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 42 हाइट मैं बिल्कुल मेजर करके आप बता, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। नहीं नहीं, 42 ज्यादा ज्यादा हो वो अच्छी बात है, आप 42 बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। कम नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि उसूलों से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये किसी कोई अगर कभी गलती से भी अगर आ जाए, थोड़ा आधा इंच 1 इंच का अगर फर्क भी हो जाए, तो कम नहीं बताया मैंने। और ये वाला जो सेक्शन आपने कर रखा है, ये किड्स का सेक्शन है, और वो हमारे बकरीद के बकरों के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। ये अभी किट जो है वो 2-3 महीने गए हैं ना? जी, ये पिछली वाले ब्यात के होंगे, पिछली ब्यात के हैं कुछ बच्चे, तो और थोड़ा कुछ ये क्या मौसम की मार है। हाँ हाँ, अभी तो मान लीजिए जैसे बारिश चल रही है तो बकरे उससे भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं। और वो वाला जो सेक्शन है वो बकरीद के बकरों के हिसाब से है वो। जी, इसमें बकरे हैं जो। सर थोड़ा सा मुझे ये दिखाइए, मैं जनरली ये किसी भी फार्म पर देखा नहीं है। जनरली अगर हम देखते हैं तो वो गाय भैंसों के लिए ज़रूर देखते हैं, बकरियों के लिए व्यवस्था ये नहीं रहती है। असल में क्या है कि आप साइंटिफिक वे में करता है आदमी कोई भी काम, तो हर चीज़ साइंटिफिक ही होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ों को मैंने महसूस किया कि ब्रीडिंग के टाइम और किडिंग के टाइम जो बकरी की सेवा करता है वही अगर उसके पास रहे तो वो असहज महसूस नहीं करती है।
और अगर कोई दूसरा आदमी हो तो वो हर चीज के अंदर लाज शर्म तो हर जानवर में भी होता है, भले वो हम लोगों को महसूस नहीं हो। जी जी। तो ये क्या है कि अगर एक बार हमको जैसे हम आइडेंटिफाई कराते हैं ब्रीडर बकरों को इसमें ले जाके, जैसे ही पता चल गया कि ये बकरियां हीट में है, आइडेंटिफाई कर लिया, उनको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके एक एक करके उनको ला के यहाँ पर इसे स्टैंड में, ये क्रॉसिंग स्टैंड है, इसमें हम ला के फिक्स कर देते हैं, ये मूवेबल है। ये जी बिल्कुल, ये अपने बकरी के साइज के हिसाब से ये मूव कर सकते हैं, इसमें मूव करके और उसके बाद इसको फिक्स कर दिया, ब्रीडर को उधर से आपने इसमें छोड़ दिया, अब आप फ्री हैं। हाँ। आदमी का काम उसमें कुछ नहीं होता, नहीं तो अगर मतलब पकड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, तो इस तरीके से किसान दोस्त भी अपने यहाँ पर बनवा सकते हैं। ये साइंटिफिक है और CIRG से प्रमाणित है, CIRG में भी इस तरह का ही क्रॉसिंग स्टैंड बना हुआ है जी। और ये देख सकते हैं सर के फार्म के चारों तरफ जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है, है ना, ये इसमें केकड़ा भी है, मछलियाँ भी हैं। नहीं नहीं, तो जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए कोई आपको अलग से व्यवस्था करने कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। ये क्या है कि अप्रेज्ड ऑलरेडी है, तो हमने सिर्फ इसकी हाइट को इस तरह से बनाया है कि वो उधर से पानी, डायरेक्ट पानी इधर की तरफ आ जाए। स्लोप हमने उस तरह से बना दिया, बाकी हमने इसमें अलग से कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। और ये जो सर का एक बहुत अच्छी जगह है, जो मतलब खास करके हम अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा हमें देखने मिलता है कि यार नदी के किनारे या तालाब के किनारे फार्म बना हुआ है। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितना अच्छा है, अगर कोई आना आता है फार्म पर तो अगर वो स्ट्रेस्ड भी आ रहा है कहीं से तो अगर इस जगह पर चलता है कि यार झरना चल रहा है, 4-6 महीने यहाँ पे झरना चलता ही होगा, 6 महीने तक ये चलता है, 6 महीने तक चलता है बारिश के शुरू होते से। और ये क्या है कि एक नदी है हमारे यहाँ कनाट जो कि बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, उसमें ये जाके मिल जाता है, तो एक तरह से कहिए कि वो एक ट्रिब्यूटरी ही है, ये सहायक नदी है, ये जाके छोटे छोटे झरने जाके जब बड़ी एक जगह मिल जाते हैं तो वो बड़ी नदी में तब्दील होता है। और ये पेड़ के नीचे आप आइए आराम से, उस तरफ ये इनका सर का खेत भी है, ये यहाँ पे बोरिंग की व्यवस्था है, आप ये देखिए सर का खेत लगा हुआ है। और सर वो खेत के किनारे किनारे उस तरफ भी वो भी एक हमारे यहाँ वो नाला ही है, एक नाला है और नेचुरल बैरियर है मेरे यहाँ, मेरे लैंड खेत का। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर कभी आए तो जरूर ये बच्चे आते हैं तो वो यहाँ से पानी में ही जाके बैठ जाते हैं और फिर वो क्या है कि खेलते हैं, मस्ती करते हैं इसमें। ये देखिए, और आपने क्या इसे एक थोड़ा सा, और ये मेरा लैंड क्या है इस तरह से, जिस तरह से आगे आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल स्लांट है, 20 फीट का हाइट, 20 फीट का लैंड जो ना एबेंडेंट पड़ा हुआ था जी जी, तो उसको मैंने यूटिलाइज करने के लिए डंपर से मैंने ये बोल्डर गिरवा के और इसको अरेंज करवाया, तो ये 15-18 फीट की जो का जो लैंड मेरा अब यूज के लायक हो गया। बिल्कुल, ये देखें बहुत बढ़िया, एक आइडियल गोट फार्म है सर। मतलब अगर हम बात करें, चलिए उसी तरफ चलते हैं कि भाई अगर किसी का फार्म हो या जो सपना देखते हैं ना लोग शुरू करने के टाइम पर, वो इस तरीके के सोचते हैं जनरली कि यार मेरा भी ऐसा फार्म होगा, जो आपने एक्चुअल में करके दिखाया है, आपसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और जुड़ेंगे भी, है ना। और जिस तरीके से आपने काम किया हुआ साइंटिफिक अप्रोच को लेते हुए वो तो बिल्कुल काबिले तारीफ है सर, क्योंकि शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं परंतु उसे मुकाम तक ले जा पाना वही मुश्किल होता है। आप निरंतर पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं, पेशेंस इसमें चाहिए, बिना पेशेंस के आप इस काम को नहीं कर सकते। बिल्कुल, गोट फार्मिंग का मूल मंत्र ही पेशेंस से है, और इस प्रोफेशन के अंदर अगर ईमानदारी से आदमी करे इस चीज को तो पैसा बहुत है, पैसा बहुत है और पैसा क्वालिटी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो पैसा आप 10 के जगह पे 20 भी मांगेंगे तो लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्वालिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये सर आपका स्टोर, मैं अपना मेरा ये भूसे का स्टोर जी, इसमें ये सीजन के वक्त पे ही मैं इसमें मसूर का भूसा स्टोर करता हूँ जी जी, और सालों भर मसूर का भूसा, उसमें मैं सिर्फ मसूर का भूसा नहीं, मसूर के भूसे के साथ साथ इसमें ये मिक्स करके हम देते हैं चापड़ और चूरी, चने की चूरी और गेहूं का ब्रान वाइट जो वो आता है चोकर, वो दोनों को मिला के इस भूसे में मिला के उनको दिया जाता है।
और कोई विशेष तौर से आप अलग से कोई दाना नहीं देते? दाना दाना कॉन्सेंट्रेट अलग से देते हैं, ये तो भूसे के साथ की भूसा क्वांटिटी में अच्छे से खा ले वो। हाँ हाँ। कि वो कम नहीं खाए। सिर्फ किस तरीके का फीडिंग शेड्यूल अपनाते हैं सर आप? सुबह सुबह मॉर्निंग में इनको निकाला जाता है, निकालने के बाद ये भूसा ये चापड़ चूरी मिला के डाल दिया जाता है जी। सुबह डाल दिया 6:30 बजे, सुबह 9 बजे उनके पास बाल्टी में पानी रख दिया धो के बाल्टी को, और उसके बाद 10:30 बजे उनको हम कंसेंट्रेट फीड डाल देते हैं जी। कंसेंट्रेट फीड मैं खुद बनाता हूँ और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। उसमें हम करते क्या है कि हम खुद मक्का लाते हैं, उसको हम दलिया बनवाते हैं, गेहूँ मक्का, और सीजन के हिसाब से गर्मी में जौ और सर्दी में बाजरा ये उसमें मिलाते हैं, चापड़ को मिलाते हैं फाइबर के लिए, और फिर साथ में मिनरल मिक्सचर, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हिमालय बत्तीसा, काला नमक, सादा नमक, और उसके बाद नॉर्मल टाटा साल्ट जो कि आयोडाइज्ड हो, वो मिला के और फिर उनको सर्व किया जाता है। 250 ग्राम रूटीन में सालों भर मैं चलाता हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट गोट्स के केस में जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में होती है 3 महीने से 4 महीने के 3 महीने से ऊपर, तो उनमें उनका जो कंसेंट्रेट फीड है वो 1.5 गुना कर देता हूँ, मतलब एक बकरी को कम से कम 400 ग्राम। हम कंसेंट्रेट फीड के ऊपर तो एक जरूर डिटेल में वीडियो आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के छोटे छोटे रहते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज भी रहते हैं कि यार वो हम तो पूरा बताएंगे ही मैं किस तरीके से ऑर्गेनिक वे में हम तैयार कर सकते हैं, खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं। अभी आप जो मुझे एक बता रहे थे कि आप बीट का भी बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, वो हम अपने बकरी की मेंगनी को, बकरी की मेंगनी का भी बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ कि उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ऑफ कैमरा हमारी सर से बात हो रही थी, इन्होंने मुझे बताया, तो ये मैं अपने दर्शकों को भी सजेस्ट करूंगा कि कुछ इस तरीके से उसे अपना सकते हैं। और इसको ये हमने 20 फीट बाई 20 फीट का एक डंप है, 5-6 फीट का एक गड्ढा हमने खुदवाया, और उस गड्ढे में हम इसको डंप करते हैं हमारी पूरी मैंगनी को। गहरा कितना कर रखा सर आप? ये 6 फीट गड्ढा है और 2.5 फीट ऊपर उठा हुआ है 2 फीट, तो ये 8 फीट गहरा है जी। जी 8 फीट गहरे डंप, इसमें हम पूरी मैंगनी को 6 महीने की मैंगनी को डंप करते हैं जी, और हर 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर पानी को हम डाल देते हैं, अपने ट्यूबवेल के पानी को भर देते हैं इसको। उससे क्या होता है, इसमें कोई नेचुरली ये क्या होता है कि डिग्रेड होके ये फर्टिलाइजर 6 महीने के अंदर बिल्कुल बेहतरीन खाद बन जाता है। ये ऑर्गेनिक खाद हम सेल भी करते हैं, हमारे यहाँ से लोग खुद डिमांड है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से बुक है। ये क्या है कि इसकी खाद की गुणवत्ता जो है ना वो गोबर के खाद से कई गुना ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तो लोगों की डिमांड है, यहाँ पर हमारे यहाँ पास पड़ोस में जो लोग हैं इन लोगों ने पहले से ही बुक कर रखा है कि आप किसी को नहीं देंगे, जिस रेट में आप देंगे हम ले जाएंगे जी। और मैंने अपने यहाँ भी इसको डाल रखा है, अपने यहाँ मेरे यहाँ है, तो बिल्कुल आपने देखा मोरम टाइप की ज़मीन थी, लेकिन उस मोरम की ज़मीन को मैंने बिल्कुल यही खाद डाल के 2 साल में इसको मैंने मिट्टी बनाया, और आज आप देखेंगे कि इसके अंदर ये सोयाबीन लगा हुआ है। और साथ में इस खाद से आप बीमारी, अपने आप को अपने परिवार को बीमारी से बचाने के लिए 2 चीज़ों पे काम करें ऑर्गेनिक खेती में, सब्जी और दूध। अगर दो आदमी, दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये इसको आदमी कंट्रोल कर ले, अपने हाथ में ले ले ऑर्गेनिक रूप में, तो 80% बीमारियों से बच सकता है। बिल्कुल, तो आप अपने घर के लिए सब्जियाँ वगैरह? सब्जी मेरे यहाँ घर से यहीं से जाता है, और दूध भी मेरे यहाँ घर से यहीं से जाता है। बहुत अच्छा, अपने फार्म का है वो ऑर्गेनिकली तैयार, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि मैंने अपने फार्म के चारों तरफ बिल्कुल गार्डन टाइप का मैंने एक डेवलप कर रखा है, एकदम अपने बाउंड्री पे मैंने ऐसे पेड़ लगा रखे दो, उसके रीजन से कुछ फलदार पेड़ भी हैं और कुछ पत्तियों वाले भी पेड़ हैं, कि कोरोना के काल में कुछ लोगों के फार्म के जानवर इस वजह से मर गए कि उनके पास ना तो फीड था, ना खुद खाने, आदमी के पास खाने के लिए नहीं था, तो वो जानवरों को कहाँ से खिलाते, जानवर बिना खाए मर गए। तो मैंने कुछ पौधे इस तरह के लगाए हैं अपने यहाँ कि वो ऐसी ग्रेव सिचुएशन कभी अगर ऐसी बालिक ना करे कि आए, लेकिन कभी अगर ऐसी आती है तो उनको कम से कम बेयर मिनिमम इतना फीडिंग के लिए आदमी अपने पास हो कि 10-20 दिन ग्रेस पीरियड में कुछ भी नहीं मिले तो ये पत्तियों से ही उनका गुजारा चल। बिल्कुल, नीम देख रहा हूँ मैं, नीम है, देख रहा हूं, नीम एज ए नेचुरल डिवॉर्मर मैं इस्तेमाल करता हूँ, हर 15-20 दिन पे इनको नीम की पत्ती सबको खिलाता हूँ जी। और सहजन देख रहा हूँ मैं, और मतलब लगभग कहुआ है, और जो देसी बबूल है वो देख रहा है, बबूल है, ये फेफर है, अंजन है, सब पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं, ये कटहल है, कटार है जी। बहुत अच्छा,
और कुछ पेड़ अमरूद के भी लगाए हैं, तो वो डुअल पर्पस के हिसाब से लगाए हैं कि जैसे कभी किड्स को अगर वो डायरिया की शिकायत होती है तो हम ट्रीटमेंट से कम करके हम प्रिवेंशन पे जाते हैं, और ये जैसे जामुन का पत्ता हुआ या बबूल, ये अमरूद का पत्ता हुआ, जाम का पत्ता हुआ, इसको अगर खिलाने से बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनका डायरिया कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो अभी ओवरऑल कितने जानवर होंगे सर अपने फार्म पर? मेरे पास 190 190 छोटे मोटे सब छोटे बड़े सब मिला के। बिल्कुल, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया परंतु आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अधिक जानकारी के लिए सर का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।